तो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर अमीरों की मदद और सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 55 देशों की यात्रा की, अंबानी और अडानी को इन 55 देशों में 18 बड़े ठेके मिले। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आंकड़ों का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी अंबानी का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी कंपनियों को बदहाल कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाया, क्या प्रधानमंत्री की यही देशभक्ति है? नवजोत सिंह सिद्धू ने कई देशों में करार का हवाला देकर निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई जारी है और सियासी विरोधी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और पंजाब में मंत्री बने नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि वो गरीबों की जगह अमीरों के लिए काम करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकारी कंपनियों को ठेके देने की जगह अंबानी और अडानी को कंपनियों को ठेके दिए जाने की बात करते हुए कई आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, लेकिन वो कैसे देशभक्त हैं कि वो सरकारी कंपनियों की मदद करने के बजाय निजी उद्योगपतियों की मदद करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 55 देशों की यात्रा की, अंबानी और अडानी को इन 55 देशों में 18 बड़े ठेके मिले। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और अंबानी ने एक कमजोर कंपनी अलमाजा मेटल $6 बिलियन में खरीदी और एक महीने के अंदर रिलायंस डिफेंस को ठेका दे दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर गए, वहां अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बना दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री 10 रुपए के पेन के बिल मांगते हैं, लेकिन राफेल डील पर कुछ नहीं बोलते। फ्रांस ने अंबानी को 1100 करोड़ का कर्जा दिया, तब फ्रांस सरकार ने इसको माफ कर दिया। मिनिस्टर ऑफ इंडिया अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर अंबानी एंड अडानी, क्या वो प्रधानमंत्री हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं अंबानी और अडानी के? अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री स्वीडन गए तो वहां भी अंबानी की कंपनी को ठेका दे दिया गया, तब अडानी ने एयरफोर्स प्लेन के लिए बोली लगाई थी। ये सारे ठेके सरकारी कंपनी को दिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी की कंपनी को हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल बनाने के लिए 65,000 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन DRDO को ये ठेका नहीं दिया गया। फायदे में थी, फेल ले लो, करोड़ों के फायदे में थी। और देखिए आप, रिलायंस पोस्ट अगेन ऑफ 10,000 करोड़ इन अ क्वार्टर, पहली प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की जो 3 महीने में 10,000 करोड़ कमाती है। इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया, और सरकारी पोस्टल डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ के घाटे में कल आया। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने बांग्लादेश दौरे का जिक्र किया और प्रधानमंत्री के इस दौरे में 3,000 मेगावाट बिजली के ठेके का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये अंबानी और अडानी को दे दिया गया, NTPC को ये ठेका नहीं दिया गया। इन ठेकों से अंबानी और अडानी की दोनों कंपनियों को अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2017 में रिलायंस डिफेंस साइंस एन एग्रीमेंट विद द US नेवी, 3 साल में 15,000 करोड़ का मुनाफा है। ये 7th फ्लीट ऑफ द अमेरिकन नेवी, ये 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलना है उनको। भारत की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें कोई मादा नहीं? क्या उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी? नवजोत सिंह सिद्धू एक के बाद एक कई आरोप लगाते रहे और प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते रहे। बहरहाल चुनावी लड़ाई चल रही है और नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोपों को नई धार दे दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई चल रही है और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े आरोप लगाए हैं, लिहाजा तीसरे चरण के मतदान से पहले ये आरोप काफी गंभीर हो गए हैं। हालांकि बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर सियासी पलटवार किया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाने पर नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों पर उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाए गए हैं। खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने।
पंजाब के मंत्री कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए हैं, एक ब्यौरा दिया है जिन देशों की यात्राएं प्रधानमंत्री ने की, अडानी अंबानी का नाम लिया है और कहा है कि सरकारी कंपनी को डुबोया गया और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के पास पहले कॉन्ट्रैक्ट था हंसने हंसाने का, एक्टिंग कोई और करता था, ये सिर्फ बैठ के सोफा पे हंसते थे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आरोप लगाने का, गाली बकने का, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का कॉन्ट्रैक्ट राहुल गांधी ने उनको दिया है। ये देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भारत माता के सपूत को गाली और इमरान खान को ताली, ये स्वीकार नहीं होगा। देश जवाब देगा कांग्रेस को। लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य पेश किए हैं, कुछ सबूत देने की पेशकश करते हुए बहस की चुनौती दी है और ये कहा है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, कंपनियां जो सरकारी कंपनियों को टेंडर नहीं मिला है, निजी कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं और उन्होंने कई यात्राओं का जिक्र किया है प्रधानमंत्री की, विदेश यात्राओं का। देखिए, अनर्गल आरोप है, मिथ्या है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, बेसलेस है। धन्यवाद बात करने के लिए। और नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों को नकार रही है बीजेपी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली। तो कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना के जरिए खुद को जनता के बीच चर्चा में ला दिया है और अब बड़े अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री ने भी न्याय की जमकर तारीफ की। कांग्रेस की न्याय यानी न्यूनतम आय योजना पर सवालों और जवाबों के बीच अब इसके समर्थन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह भी आ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना की जमकर तारीफ की है और कहा कि इस प्रस्तावित योजना के लागू होने के बाद भारत विश्व के गरीबी मुक्त देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। साथ ही मनमोहन सिंह ने उन आशंकाओं, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की जो अक्सर पूछे जा रही हैं, जिनमें एक सवाल ये है कि न्याय को लागू करने से देश के लोगों पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ तो नहीं आएगा। इस पर मनमोहन सिंह का कहना था कि देश के मध्यम वर्ग पर कर का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और देश के राजकोषीय अनुशासन को भी बनाए रखा जाएगा। इस दौरान मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि पिछले 70 सालों में गरीबी उन्मूलन के कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए और नतीजतन गरीबी का स्तर 70% से घटकर 20% रह गया और अब समय आ गया है हम इस बची खुची गरीबी को दूर करने का संकल्प पुनः दोहराएं और न्याय से हमारा आर्थिक इंजन फिर शुरू करने में मदद मिलेगी जो आज ठहराव की स्थिति में है। दरअसल लोकसभा में सभी पार्टियां वादे करती हैं कि हम जीते और सरकार में आए तो हम जनता के लिए क्या काम करें और कैसे करेंगे और इसके लिए वो चुनावी घोषणा पत्र लेकर आती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब अधिकतर पार्टियां चुनाव से कुछ दिन पहले ही घोषणा पत्र जनता के सामने लाती हैं। इस बार पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रखे। इनमें जहां एक तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में राष्ट्रवाद की प्रमुखता से बात की गई, तो वहीं कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना को प्रमुखता दी है जिसे न्याय नाम दिया गया है। अब जनता किसके न्याय में कितना विश्वास करती है ये नतीजे आने पर ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस ने न्याय से खुद को चर्चा में ला दिया है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि दीदी वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, लेकिन अब दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है, क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश के लोग आकर के भारत में चुनाव प्रचार करें? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टिकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर,
पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई, अपने ही साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं, इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसमें खुलासा हुआ है कि रोहित की मौत सामान्य नहीं थी, उसमें दम घुटकर मौत का मामला सामने आया। इसके बाद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और अब क्राइम ब्रांच की रडार पर पूरा परिवार। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। इसमें रोहित की मौत गला दबाकर या मुंह दबाकर होने की बात कही गई है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और पुलिस की तफ्तीश में रोहित के परिवार तक ये जांच पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम डिफेंस कॉलोनी स्थित रोहित के घर पहुंची, जहां रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी, पत्नी, उनके ससुर से पूछताछ की गई। इसके अलावा रोहित के भाई और नौकरों से भी सवाल किए गए। टीम में पूछताछ के लिए महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। शुक्रवार को रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत मुंह दबाने से हुई, जिसके बाद से ही हत्या का केस दर्ज किया गया और तब से ही पुलिस जांच में जुटी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को रोहित शेखर की पत्नी पर पहले शक है। शेखर के भाई सिद्धार्थ, जो घर पर ही रहता था, कत्ल के वक्त घर में मौजूद था, उससे सख्ती से पूछताछ की गई है। इसके अलावा घर के नौकरों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। शेखर की मां, उसकी पत्नी के रिश्तेदारों को लेकर भी सवाल किए जाने की बात सामने आ रही है और रोहित की पत्नी अपूर्वा के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित की मां ज्वला ने कहा है कि शादी के पहले दिन से ही रोहित और उसकी पत्नी के बीच तनाव था। आप एक बात रही, मैरिज के पहले दिन के बाद से ही तनाव रहे हैं। कुछ दिन बाद समझिए कि शादी ठीक से संपन्न हो गई, उसके बाद कुछ, हाँ, शादी ठीक से संपन्न हो गई, मेरा मतलब शादी के बाद से कह रही हूँ कि मतलब आरंभिक उस स्टेज से ही थोड़ा सा। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी राजधानी स्थित डिफेंस कॉलोनी में अपनी मां उज्ज्वला तिवारी के साथ रहते थे। 16 अप्रैल को वो अपने कमरे में संदिग्ध हालत में पाए गए, जिसके बाद उन्हें फौरन साकेत मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और तब रोहित की मां रोहित की मौत स्वाभाविक होना बता रही थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रूमा गांव के नजदीक देर रात ट्रेन हादसा हुआ। हावड़ा से चलकर दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। रात का समय था, ट्रेन में सवार सभी यात्री सोए हुए थे। कुछ लोग गपशप कर रहे थे। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर कानपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन अचानक कानपुर के नजदीक रूमा गांव में ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर चारों ओर लोगों की चिल्लाहट शुरू हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आनंद फानन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को बोगी से निकाल कर अस्पताल पहुँचाया गया। यात्रियों को कानपुर से दिल्ली ले जाने के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन की भी व्यवस्था की गई। फिलहाल इलाहाबाद कानपुर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये अचानक ट्रेन जो है ना हिलने लगी है और उसमें फिर किनारे हुआ है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं?
घायल तो वही आठ बोगी लगभग डैमेज हुआ है पूरा। अच्छा अच्छा, पूरे तरह से इंजर्ड हुआ है। प्रशासन मौके पर आ गया था? प्रशासन तेजी से आइए 15 मिनट के अंदर पहुंच गई है। उससे पहले हम लोग जो हो सका अपने लेवल से सबको निकालने की कोशिश की है, ताकि हम भी खुद इंजर्ड हैं उसमें। अच्छा, हम तो सब रात में सो रहे थे, अचानक मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूरा पालकी खा खा के पूरा पालकी खा रहे हैं। अच्छा, कितनी हम पूरा बैठ गए, धीरे धीरे हमारा खिड़की को खोला गया, पूरा तोड़ तार के, फिर उसके बाद उठा उसके नीचे से नीचे सब। अच्छा, कितने लोग घायल होंगे? कुछ लगभग कुछ पता है आपको? अच्छा, कितनी बोगियाँ इंजर्ड हो गई, कितनी बोगियाँ पलट गई थी? बी थ्री में हमारे बुआ जी थे, उनका तो एक का तो बहुत हालत खराब था। पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, इनमें 10 सवारी डिब्बे बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक पेंट्री और एक पावर कार शामिल है। 4 डिब्बे ट्रैक के पास पलट गए, हादसे का कारण कपलिंग टूटना बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे में सारे यात्री सुरक्षित हैं, करीब 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। रेल है, एक डब्बा एक बोगी से डेरेड है और 5 डब्बे ऐसे हैं जो कि या तो टेढ़े हो गए हैं या वो कैप्साइज हो गए हैं, मतलब पूरे लुढ़क गए हैं डब्बे। तो टोटल मिला के 11 डब्बे पूरे प्रकार से हैं और 12वां डब्बा आधा एक तरफ। अभी हालात ये हैं कि सारे यात्री यहाँ से जा चुके हैं। जो यात्री डिरेल्ड कोचेज में थे, उनको रात में ही हम लोगों ने विशेष बसों के द्वारा यहाँ से कानपुर सेंट्रल भिजवा दिया। वहाँ से उनकी विशेष रेलगाड़ी से वो ऑलरेडी जा चुके हैं दिल्ली अपने गंतव्य स्थल की तरफ। फिलहाल पूर्व एक्सप्रेस में सवार 900 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए भेजा गया है। हादसे के कारण इस रूट पर चलने वाली 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हावड़ा दिल्ली रूट को डाउन कर दिया गया है। अगले 24 घंटे में चालू होने की उम्मीद भी है। डीआरएम अमिताभ अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इन हादसों से कोई सबक नहीं सीखा है। ये प्रशासन की लापरवाही है जिसके चलते एक बार फिर ऐसा हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? हो जाएंगे तो जब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, जिस भी स्तर की इंक्वायरी कमेटी हो, वो या तो सीआरएस इंक्वायरी करे या हेडक्वार्टर की टीम करे इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी करेगा वो इंक्वायरी होने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाएगा कि वास्तव में ये घटना किस वजह से। बहरहाल हादसे में किसी के हताहत की सूचना नहीं है। यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से दिल्ली भेजा गया है, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों आतंकियों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। हमला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के वाटरगाम शहर में हुआ। सेना की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आतंकियों ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया। आतंकियों की ओर से बारामूला के मार्केट में फायरिंग की गई, इसमें एक नागरिक की मौत हो गई। इसके अलावा आतंकियों की ओर से पुलवामा में सीआरपीएफ की पोस्ट पर हमला किया गया। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ। बारामूला मार्केट में हुए हमले में मारे गए शख्स का नाम मजीद भट्ट बताया गया है। बीते एक हफ्ते में कश्मीर में 4 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। मजीद भट्ट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बारामूला और पुलवामा में हमले से पहले पानीहाल में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था, जहां एक कार में धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ काफिले की एक बस को टक्कर मारने के बाद कार में धमाका हुआ। हालांकि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। इस काफिले में सीआरपीएफ की 6 से 7 बसें थीं और करीब 40 जवान। पानीहाल टनल के पास रिहायशी इलाके से दूर एक सेंट्रो कार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला नजदीक आया, तभी कार ने सीआरपीएफ की एक बस को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण बस को मामूली नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि सेंट्रो कार में 2 सिलेंडर यूरिया और तेल की बोतलें थी।
नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।